भागलपुर के कई गांव कटाव की चपेट में हैं। लंबे समय से कटाव जारी है, लेकिन जिन्हें इस पर ध्यान देना था वो अनदेखी करते रहे। प्रशासनिक नाकामी की वजह से कटाव ने अब विकराल रूप ले लिया है और प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड का रानी दियारा गांव के लोग गंगा के कटाव की वजह से हलकान है। हालात यह है कि तकरीबन 200 लोगों को राहत कैंपों में शरण लेनी पड़ी है। डीएम प्रणव कुमार, एसडीएम सुजय कुमार, डीएसएलआर रवि चौहान, बीडीओ रंजन लाल निगम सहित अन्य अधिकारियों ने रानी दियारा के गंगा कटाव का निरीक्षण किया। डीएम ने निरीक्षण के बाद कहा कि गंगा में तेजी से कटाव हो रहा है, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। जो अस्थाई कैंप चल रहे हैं उसमें तत्कालिक सुविधाएं जैसे पानी, तिरपाल, शौचालय, कंबल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कटाव के निरीक्षण के बाद इंजीनियर ने बताया है कि इस कटाव को रोकने में बहुत रकम खर्च करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। ट्रैक्टर चाहिए जी सर। अच्छा, और कोई भी सामान है तो इटोला में जल्दी नहीं मिलता है हम लोगों को। कौन सामान बोलो तब ना। जैसे वो आता है सर, राशन पानी मिलता है? नहीं सर, फ्लड वाले में मिला था। नहीं नहीं, वो नहीं, दुकान नहीं है। कैसा राशन चाहिए? राशन जैसे आता है सर, कोटा वाला, कोटा वाला वो सब नहीं मिलता है? प्रायोरिटी पे उठा के 15 की ठीक है, 15 तारीख के पहले, आज 10, 11 तारीख है, 15-16 तारीख तक मंडी।